नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शुभम। तो आज की वीडियो में हम वायरिंग करने वाले हैं। तो वायरिंग करने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि हम इसमें कौन से मटेरियल्स लेने वाले हैं। तो वायरिंग करने के लिए यहां पे मैंने 48 वोल्ट और 60 वोल्ट से ऑपरेट होने वाला यहां पे जो है मैंने हब मोटर लिया है, और यहां पे मैंने एक कंट्रोलर लिया है जो 60 वोल्ट 33 एम्पीयर का एक कंट्रोलर है, और यहां पे जो हमारा एक थ्रोटल और एक लिथियम आयन बैटरी। तो कनेक्शन करने से पहले हमको ये जान लेना चाहिए कि हमारी मोटर को रन करने के लिए बेसिक चीज़ें कौन सी होती है जो हमारे मोटर को रन करने में हेल्प होगी। तो अगर आपको सिर्फ मोटर को रन करना है तो उसके लिए सबसे मेन रिक्वायरमेंट रहेगी एक तो मोटर जो आपको रन करना है, दूसरा एक कंट्रोलर जिससे हमारी सारी कनेक्शन जो है पास होगा, एक थ्रोटल जिसको हम एक्सीलेट कर सकते हैं अपने मोटर को, और एक बैटरी। तो ये चार बेसिक रिक्वायरमेंट जो है आपकी रहनी चाहिए अगर आपको सिर्फ मोटर को रन करना है तो। ठीक है, तो अभी उसके बाद हम लोग जान लेते हैं कि हमको कंट्रोलर में कौन से मेन वायर मिल जाते हैं जो हमारे मतलब मोटर को रन करने के लिए हेल्पफुल होगा। तो यहाँ पे कंट्रोल में हमको काफ़ी सारे कनेक्शन मिल जाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हमको मोटर का कनेक्शन चाहिए होगा। तो मोटर में कनेक्शन के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे देख सकते हैं इस टाइप का आपको 5 पिन मिलेगा। तो इसमें से हमारा जो है येल्लो, ब्लू और ग्रीन, ये 3 जो वायर आपको दिख रहा है ये हमारा फेस वायर है हमारा मोटर का। ठीक है, ये हमारा फेस वायर हो गया। उसके बाद ये हमारी बैटरी का प्लस और माइनस। ठीक है, हमारा मोटर का हो गया, बैटरी का हो गया, और ये मोटर में हमारा सेंसर वायर भी लगता है। इस तरह देख सकते हैं 5 वायर आता है, उसकी इस टाइप की पिन आती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, तो ये पिन जो हमारा सेंसर मीन्स मोटर का एक कनेक्शन हो गया और बैटरी का हो गया, और इसमें हमारा आ जाता है थ्रोटल का। तो इस टाइप को देख सकते 3 वायर आता है। तो बेसिकली रेड, ग्रीन और ब्लैक कलर का आता है। तो इसमें जो ये हमको सिल्वर कलर दिया है, तो इस टाइप से देख सकते हैं ये हमारा थ्रोटल का कनेक्शन है। 3 पिन का रहता है यहाँ पे। ठीक है, कलर कभी कभी चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा थ्रोटल का हो गया, और एक ये हो गया क्योंकि हमारा थ्रोटल जो है इसके अंदर हमको डिस्प्ले वाला यूज़ किया, तो उसके लिए और की स्विच भी है, तो उसके लिए हमको एक अलग से एक वायर यूज़ करना पड़ता है ऑन ऑफ के लिए और डिस्प्ले के लिए। तो ये उस चीज़ के लिए हो गया। तो हमारा नॉर्मली बेसिक कनेक्शन करने के लिए ये वायर हमको ज़रूरी है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। तो ये एक हमारा फेस वायर मोटर का, येल्लो, ब्लू और ग्रीन। ठीक है, उसके बाद ये हमारा थ्रोटल का। ठीक है, ये हमारा बैटरी का ऑन ऑफ करने के लिए प्लस और माइनस, और ये हमारा सेंसर वायर मोटर का, और ये हमारा ऑन ऑफ करने के लिए स्विच का और डिस्प्ले का। ठीक है ना, इतना मेन है। तो सबसे पहले हम इसका कनेक्शन कर देते हैं, उसके बाद ये जो एक्स्ट्रा वायर मिला है वो किस लिए यूज़ होता है वो मैं आपको बता दूंगा। तो इस तरह अगर आप यहाँ पे अगर आप पूरी किट खरीदते हैं तो इस तरह जो आपको यहाँ पे जंक्शन बॉक्स मिल जाएगा। तो इसको क्या करना है, सबसे पहले आपको खोल लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे खोलने के बाद इस तरह आपको 4 से 5 नट बोल्ट जो इसके अंदर लगे हुए मिल जाएंगे। तो करना क्या है कि यहाँ पे जैसे कि हमने देखा था कि हमारे मोटर के फेस वायर और बैटरी के फेस वायर इस तरह जो आपको मिल जाते हैं। ठीक है ना, तो करने क्या है, कंट्रोलर और मोटर के जितने भी फेस वायर है लाइन वाइज इसमें लगाते जाना है। तो जैसे कि सबसे पहले आप इसको खोल लीजिए। तो यहाँ पे हमारे सारे नट जो इसमें से निकल चुके हैं। नट निकलने के बाद ये हमारे जो फेस वायर जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया था, तो इसको आपको एक के ऊपर एक रखते जाना। जैसे कि यहाँ पे हमारा ये ब्लू वाला मोटर का ब्लू, ये हमारा कंट्रोलर का ब्लू, एक के ऊपर एक। ठीक है, ये हमारा ग्रीन मोटर का, ये हमारा कंट्रोलर का ग्रीन, ये मोटर का येल्लो, ये कंट्रोलर का येल्लो। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली आपको कुछ करना नहीं है, येलो को येलो के साथ, ग्रीन को ग्रीन के साथ, ब्लू को ब्लू के साथ कर देना है। ठीक है, उसके बाद 2 वायर हमारा एक्स्ट्रा बचता है। तो उसके अंदर जो हमारा बैटरी का आएगा, तो कंट्रोलर जैसे मैंने पहले आपको बताया था पॉजिटिव और नेगेटिव रेड और ब्लैक कलर का 2 वायर मिल जाते हैं जो हमारा बैटरी का रहता है। तो यहाँ पे आपको नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव। ठीक है, इस तरह ये लगाने के बाद यहाँ पे ये हमारा बैटरी का पिन है, देख सकते हैं इस तरह, इसमें भी हमको पॉजिटिव और नेगेटिव मिल जाता है। तो इसको भी आपको एक साथ लगा देना है, ये नेगेटिव के साथ नेगेटिव, ठीक है, पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव। ठीक है, ये लगने के बाद जैसे मैंने कंट्रोल में आपको बताया था एक की स्विच का भी ऑप्शन है जो ऑन ऑफ करने के लिए यूज़ होता है, तो उसमें भी इस टाइप का हमको ये जो पिन मिल जाता है। तो ये पिन भी हमको पॉजिटिव के साथ में जो है लगा देना है इस तरह। ठीक है, फिर नट लगा के टाइट कर देना है इस तरह, देख सकते हैं हमारा। कलर वाइज इसमें ज़्यादा कुछ करना है, आपको कलर वाइज लगा देना, ब्लू ब्लू के साथ, ग्रीन ग्रीन के साथ, येलो येलो के साथ, बैटरी का ब्लैक ब्लैक के साथ, बैटरी का रेड रेड के साथ, और जो हमारा की स्विच का रेड वाला कलर है वो भी हमको रेड के साथ में लगा देना है। इतना करने के बाद आप सबको टाइट कर दीजिए। ठीक है, तो अभी ये जंक्शन बॉक्स से जितने भी सारे काम है सब हो चुके हैं। तो अभी
इसको पैक भी कर देंगे तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको पैक कर दे रहे हैं। तो जैसे कि यहाँ पे फेस वायर के कनेक्शन बाद हमारा सेंसर का वायर बच जाता है मोटर का, तो मैंने पहले भी कंट्रोलर में बताया था इस तरह 5 पिन आपको मिल जाता है जो सेंसर का रहता है, तो ये एक दूसरे के साथ में लगा देना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो मोटर के जितने भी कनेक्शन थे सारे कंप्लीट हो चुके हैं, बैटरी के भी कंप्लीट हो चुके हैं। उसके बाद यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया था ये थ्रोटल का वायर है हमारा, ये हमारा थ्रोटल है, तो इसमें हमको 2 वायर मिल जाते हैं, एक हमारा थ्रोटल का और एक जो मिल जाता है डिस्प्ले का, ठीक है। तो इसमें मैंने थ्रोटल का आपको ये वायर बताया था, तो इस तरह देख सकते हैं यहाँ पे आपको रेड ग्रीन और ब्लैक कलर का इस तरह आपको वायरिंग मिल जाएगा। तो हालांकि इसमें बस ग्रीन की जगह सिल्वर आ चुका है, तो कभी कभी वायर चेंज हो सकता है, लेकिन कनेक्शन जो आपको सेम करना है, ठीक है। तो ये यहाँ पे ये 3 पिन वाला आपको एक साथ लगा देना है। तो ये हमारा थ्रोटल का कनेक्शन जो यहाँ पे है कम्प्लीट हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे हमको एक जो पिन मिलता है वो इसके साथ में लगा देना है, इस तरह जैसे मैंने पहले आपको बताया था, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कनेक्शन जो है पूरा कंप्लीट हो चुका है लगभग। तो जैसे कि एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूँ, ये हमारा फेस वायर लग गया, सेंसर वायर लग गया, बैटरी का लग गया, ये हमारा की स्विच के साथ हमारा कनेक्शन हो चुका है, और ये थ्रोटल से जो हमारा 2 पिन आया था, एक थ्रोटल का और एक हमारा डिस्प्ले का, ये कनेक्शन भी हो चुका है। तो ये हमारा जो है बैटरी का पिन है, तो इसको हम जो है बैटरी के साथ में लगा देते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं हमारा बैटरी का वायर है, ये हमारा बैटरी का पिन यहाँ पे है। तो सबसे सब कनेक्शन करने के बाद में आपको लास्ट में जो है बैटरी का कनेक्शन करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा हर कनेक्शन जो कंप्लीट हो चुका है, तो यहाँ पे हमारा बैटरी का कनेक्शन भी हो चुका है। तो यहाँ पे हमारा बैटरी कनेक्शन हो गया। तो बैटरी कनेक्शन होने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं हमारा ऑन ऑफ का स्विच, अगर इसको हम ऑन करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे हमारा वोल्टेज डिस्प्ले होना चालू हो जाएगा। मीन्स यहाँ पे देख सकते हैं हमारा बैटरी का वोल्टेज जितना है ये डिस्प्ले में बताना चालू हो जाएगा। अगर इसको हम ऑफ कर देंगे तो ये डिस्प्ले बताना बंद कर देगा। मीन्स ये हमारा ऑन ऑफ का स्विच जो हमने लगाया था रेड कलर का पिन, वो इसमें वर्क कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कनेक्शन जो कंप्लीट हो चुका है, इसलिए हमारा यहाँ पे जो है वोल्टेज बता रहा है। तो एक बार मैं आपको मोटर जो है रन करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे हमारा मेन कनेक्शन करने के बाद यहाँ पे भी हमको एक्स्ट्रा वायर जो मिल जाते हैं, तो वो भी हम लोग जान लेते हैं कि हम लोग को किस किस कनेक्शन में यूज़फुल हो सकता है। तो यहाँ पे आपको इस तरह जो एक 3 पिन मिलेगा, यहाँ पे इस तरह आपका ये कलर रहेगा, ठीक है। तो ये जो है हमारा 3 स्पीड मोड का ये जो पिन है, उसके बाद यहाँ पे हमको एक पल कर का पिन मिल जाएगा, इस तरह देख सकते हैं। तो ये हमारा जो है ब्रेक कट ऑफ का है, मीन्स जो इलेक्ट्रिक ब्रेक हम जो लगाते हैं तो उसमें ये चीज़ के लिए ये पिन जो है यूज़ होता है, इस तरह देख सकते हैं। सिंगल वायर रहेगा, इस तरह जो ये पिन रहेगा। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं हमको एक पर्पल और एक ब्लैक कलर का वायर मिल जाएगा जो 2 पिन के साथ में रहेगा, इस तरह इसका पिन रहेगा। ये जो हमारा रहेगा रिवर्स का रहेगा, मीन्स अगर आपको आपके रिवर्स भी लेके जानी है तो उस चीज़ के लिए आप ये वायर का भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारा मिल गया ये सिंगल वायर ग्रीन कलर का स्पीड इंडिकेटर का, जिसमें हमारा स्पीड जो है बताएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमको कुछ और वायर भी मिल जाते हैं जो हमारा एंटी थेफ्ट के लिए यूज हो सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह जो है हमारे सारे कनेक्शन थे। तो यहाँ पे हमारा कनेक्शन जो है पूरा कंप्लीट हो चुका है, उम्मीद है आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया हो। अगर आपको अभी भी पिन नहीं याद होता है, कलर नहीं याद होता है, तो ऊपर एक इमेज चल रहा है, तो वहाँ पे देख के आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, उसको देख के याद कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपको ये किट सारा चाहिए होगा तो इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से जाके आप खरीद भी सकते हैं, ठीक है। इसका भी मैंने एक और वीडियो बनाया था इसके पहले, अगर आप उसको भी देखना चाहते हो उसका भी देख सकते हैं, ठीक है। उम्मीद आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।